मैं खूबसूरत गांव लुआंग से सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब। मेरा नाम है हिमालयन ब्लॉगर्स। बनी वैली की खूबसूरत हसीन वादियां कमलास मंदीधार आप सबका स्वागत करती हैं। सुबह के 10 बजे का टाइम है, मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है। ये सामने आपको मैं दिखाता हूँ कुड़ीधार, जहाँ बनी वैली की बहुत ही खूबसूरत पहाड़ हैं ये। इस वक्त बादल आ चुके हैं यहाँ पर, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। आज मुझे जो काम करना है वो मैंने अपने रूम की थोड़ी सफाई भी करनी है और कुछ कपड़े धोने के हैं वो भी करूँगा मैं। आज मैं कमरे की सफाई करने वाला हूँ। ये रजाई वगैरह इधर पड़ी हुई है, थोड़ा तय वगैरह लगा ही देता हूँ इसमें। घर का काम तो करना ही पड़ता है, ऐसे करूँगा ये, ऐसे थोड़ा स्लिप हो जाती है ये। अब कहाँ जाइए, खाना वगैरह है, परांठे अभी भी इसी में पड़े हुए हैं, ये है, ये दूसरी जगह रख ही देता हूँ। ये चार्जर वाली है टॉर्च, ये भी इसी में डाल दिया, बिस्तरे में ही है। मेरी सफाई करो, सफाई में कितनी सफाई करोगे यार। फिर सहने को मैं ऐसे कवर लगा दूंगा बाहर से, है भी वाइट में, फिर मैल लग जाते, खराब नजर आते हैं। फिर अब इधर से भरता हूँ, इधर निकल जाता, करूं तो करूं क्या। ये गिर गया, कपड़े धोने को हैं। घर वाले कहते हैं यार तुम अच्छा ही खाना भी अच्छा बनाते हो, टेस्टी बनाते हो, रूम भी अच्छी तरह सजाते हो। अब सचमुच कहते हैं कि ये चलाकी है काम लेने का मुझसे, ये पता नहीं। कहते जेंट्स जो है तो खाना इतना अच्छा बनाते हैं, टेस्ट 4 दिन रहता है। अब मालूम नहीं ये कोई बहाना है कि सचमुच टेस्ट है। अगर है तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो तारीफ है। अगर है ये चलाकी तो फिर ये फिर काम लेने का एक बहाना है। और भी बहुत से काम पड़े हुए हैं, अभी मुर्गे हैं, मुर्गे को अभी दाना वगैरह भी देना है, अभी पानी मैंने भरना है, फिर दुकान जाना, कुछ वहाँ पर कुछ कुछ खरीद कर लाना है। अभी बोल रहे थे ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहा है, मानना पड़ता है, तामिल तो करना ही है यार, क्या करना है। खुशबू डाल रहा हूँ थोड़ा अपने इस रूम में। वाह क्या खुशबू है इस वक्त यहाँ मेरे रूम। सफाई कर ही लेता, काम के साथ साथ मैं देसी जिम भी कर लेता हूँ, थोड़ा थकावट दूर हो जाती है इससे। ये देख लो बड़ा फायदा होता है, कई बीमारी खत्म हो जाती है। ये सुबह सुबह जिम करता रहता हूँ, आप भी कीजिए मेरे साथ, कई बीमारियां भाग जाती हैं, फायदा होता है। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो चश्मे पर ही चले जाते थे, वहां काफी पानी होता था, ज्यादा मजा आ जाता था। पानी का पेड़ है यहाँ पर, दूसरे ये गुलाब के मैंने लगाए थे पहले। लुआंग जाना है, लुआंग मैंने वो बीड़ी वगैरह लेने हैं, दवाई लेता हूँ थोड़ी सी, एक टेबलेट अंदर पड़ी हुई उसको मैं लाऊंगा। थोड़ी थोड़ी दर्द मेरे सिर में हो रही है, वो टेबलेट अभी खाऊंगा मैं ठंडे पानी के साथ। कोई भी मोबाइल रिलेटेड आपने कोई चीज़ लेनी तो आप यहाँ पर मोहम्मद अशरफ मलिक की दुकान पर आ सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। मेरे सिर में काफ़ी दर्द थी, फिर मैंने एक टेबलेट खाई, उससे मुझे काफ़ी राहत पहुँची, अभी मैं ठीक हूँ। अब देखता हूँ मैं, अगर घर में खाना बना होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो फ्रेश तैयार करेंगे। भूख के टाइम अगर खाना मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। मुझे इस वक्त भूख लग रही थी, अभी अभी मैंने खाना खा लिया। कपड़े मैंने सुखाने के लिए यहाँ डाल दिए हैं, बादल बार बार आ रहे हैं और गरज भी रहे हैं। अब देखता हूँ मैं, अगर सूख गए तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर जंगली पेड़ लगा के रखा है। ये जो जंगली फ्रूट होता है जब पकते हैं जंगलों में तो लोग
दुनिया भर के जाते हैं खाने के लिए। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत ही स्वीट होते हैं ये। अब मैं यहाँ तलाश कर रहा हूँ, अगर चिड़ियों ने नहीं खाए होंगे तो तब तो बीच में कुछ मिलेंगे मुझे, एक दो दाने तो मिल ही जाएंगे। सामने पक्का हुआ है, मैं इसको देखता हूँ। ये है सामने, ये है। वाह, ये बहुत ही मीठा होता है खाने के लिए। ये सामने है। अभी 4 बजे का टाइम है, सुबह मैंने कपड़े धो के रखे थे। अब देखता हूँ अगर ये सूख गए होंगे तो इनको मैं अंदर ले जाऊँगा, क्योंकि बादल बार बार आ रहे हैं। ये है, ये खुबानी अब आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही है, ये सामने है। अभी इनको लगेंगे कम से कम पकने में को 10 दिन, 10 दिन के बाद ही तैयार हो जाएंगी पककर। ये कम से कम मेरे यहाँ बगीचे में जो है 3-4 किस्म की सिर्फ खुबानियाँ हैं, कोई छोटी साइज़ के, कोई बड़ी साइज़। आपको बादाम भी मिलेंगे, काफ़ी सारे बादाम हैं, कम से कम 2-4 पेड़ मैंने यहाँ रखे हैं बादाम के। ये देखो बगीचे में, यहाँ पर मधुमक्खियों का झुंड भी आ चुका है यहाँ पर बगीचे में। ये पलम का पेड़, इसके साथ चिपट गया है ये अब गर्म इलाके से आकर ये जा रहे हैं, अब बड़े बड़े पहाड़ों का रुख कर रहे हैं जहाँ लाखों करोड़ों किस्म के फूल होते हैं। हमारे गांव में बहुत से मधुमक्खियाँ जो पाल के रखी हैं, इनसे कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 केजी जो है शहद लेते हैं। ये हैं बड़े बड़े सेब, अब तो साइज़ इनका थोड़ा बढ़ रहा है। ये है सामने, ये मेरे बगीचे में जो है पलम का गुच्छा ही है पूरा। ये गुच्छा जब पक जाएगा तो इनका रंग भी ऐसा ही रहता है, या अंदर से जो रेड हो जाते हैं, बाहर से ये या ऐसे सब्ज रह जाते हैं रंग इनका। बहुत ही मीठा होता है ये, बहुत ही। ये पूरा झुंड मेरे हाथ में आ गया। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, फिर हाजिर होते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया।